नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जीएसटी पर केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। समस्याओं को का संज्ञान लेते हुए इन फैसलों का ऐलान किया गया है, मगर हम अपने पहले अपनी सीरीज के बारे में बात करेंगे जो पिछले तीन दिनों से विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को लेकर चला रहे हैं, उसके बाद जीएसटी की भी करेंगे। आखिर हमारे विश्वविद्यालय चल कैसे रहे हैं जब वहाँ प्रोफेसर लेक्चरर नहीं हैं, तो छात्रों ने वहाँ पढ़ाई क्या की है? छात्रों और शिक्षकों का समूह भी लाखों का है, फिर भी समूह ने पर्याप्त दबाव क्यों नहीं बनाया कि क्लास में टीचर होने चाहिए? अगर बनाया तो सरकार ने क्यों नहीं सुना? आपकी आंखों के सामने उच्च शिक्षा खत्म होती रही, आपने बर्दाश्त कैसे किया? क्या हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे आसपास ही कॉलेज अच्छा हो, शिक्षा सस्ती हो और अच्छी हो, ताकि लड़के लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना ना पड़े और परिवार पर खर्चे का बोझ ना पड़े? आज हम पटना विश्वविद्यालय की बात करेंगे। 1 अक्टूबर 1917 को यह विश्वविद्यालय कायम हुआ था। इस साल और इसी महीने यानी अक्टूबर महीने में 100 साल का हो गया। 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के पटना जाने का कार्यक्रम है। हमारा सवाल सिंपल है, क्या प्रधानमंत्री को बताया गया है कि इतिहास के अलावा पटना यूनिवर्सिटी का वर्तमान कैसा है? क्या उन्हें मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि वहां कई कई कॉलेजों के डिपार्टमेंट में एक ही प्रोफेसर बचे हैं और किसी किसी में एक भी नहीं? अगर जावड़ेकर साहब व्यस्त हैं तो क्या इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे मानव संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को बताया है कि जहां आप ले जाए जा रहे हैं वहां ना तो शिक्षक हैं, केवल इमारत बची है जो 100 साल की हो गई है और हम उसी का जश्न मनाएंगे? प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसलिए पटना यूनिवर्सिटी के झंखाड़ को उखाड़ कर दीवारों को रंगा जा रहा है। वैसे यहां जहां साफ किया जा रहा है, शायद ही प्रधानमंत्री को झांक कर देखने का मौका मिले, लेकिन आंखों में धूल झोंकने का सरकारी तरीका ना तो जनता को छोड़ता है, ना ही अपने प्रधान को बख्शता है। उनके आगमन के बाद कुछ दिनों तक नागरिकों को भी याद रहेगा कि वाह क्या कार्यक्रम हुआ, आने पर यूनिवर्सिटी को चमका दिया गया। प्रधानमंत्री जी, यह सब आपके सम्मान में नहीं, आपको असलियत ना पता चले इसलिए किया जा रहा है। 100 साल का इतिहास, नया पैंट शर्ट पहनकर 14 अक्टूबर को तैयार तो मिलेगा, लेकिन आप वहां जाकर पटना यूनिवर्सिटी के वर्तमान के बारे में ही पूछिएगा। 1917 आधुनिक भारत और आधुनिक बिहार के इतिहास का महत्वपूर्ण साल है, जब यहां चंपारण सत्याग्रह हुआ और उसके कुछ महीने बाद पटना यूनिवर्सिटी की नींव पड़ी। 900 साल से अधिक समय हो गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, आज तक कायम है और छात्र वहां जाने का सपना देखते हैं, मगर बिहार का यह ऑक्सफोर्ड दम तोड़ गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी खुद को पूरब का ऑक्सफोर्ड कहती थी, उसकी हालत पुरानी गाइडबुक कुंजी की किताब की तरह हो गई है। उसकी भी हालत पटना यूनिवर्सिटी की तरह है। पटना विश्वविद्यालय गंगा के किनारे बनाया गया। दुनिया में बहुत कम यूनिवर्सिटी होगी जो नदी के किनारे बनी है, जिसकी क्लास से गंगा बहती दिखती थी। बीएन कॉलेज के कमरों का नाम रिवर व्यू रूम हुआ करता था। साइंस कॉलेज के कुछ लेक्चर थिएटर के मुकाबले आज भी किसी यूनिवर्सिटी में ऐसे कमरे नहीं होंगे। हम सब साइंस कॉलेज देखने जाया करते थे कि फिजिक्स के महान प्रोफेसर SC वर्मा, जो हाल ही में IIT कानपुर से रिटायर हुए हैं, वो कैसे पढ़ाते हैं। उनके क्लास का जादू ऐसा था कि लोग कई किलोमीटर से उनके क्लास में आते थे। धीरे धीरे पटना यूनिवर्सिटी खंडहर में बदलती गई और किसी ने नई ईंट जोड़ने की कोशिश नहीं की। केमिस्ट्री और मैथ्स के प्रोफेसर पूरे शहर और राज्य में हीरो की तरह पूजे जाते थे। बिहार का सपना था पटना यूनिवर्सिटी, जिस सपने को मिलकर सबने मार दिया, अब उसका जश्न मनाएंगे। ऑक्सफोर्ड कहलाने का मन तो भारत की कई यूनिवर्सिटी को हुआ, मगर कोई उसके मेयार को छूने के लायक न हुआ। हमारी यूनिवर्सिटी देखने में ही खूबसूरत रह गई क्योंकि अंग्रेज अच्छी बिल्डिंग बना गए थे। पटना यूनिवर्सिटी वाकई खूबसूरत है, मगर आज इसकी भूमिका क्या है? क्या इसलिए इसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री को बुलाना है? हम नहीं जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कैसे हैं, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के लिए क्या किया है, मगर जो रिकॉर्ड दिख रहा है उससे यही लगता है कि इसकी हालत अच्छी नहीं है। इस यूनिवर्सिटी से पास किए गए लोग आज भी दुनिया भर में उच्च पदों पर हैं। भारत सरकार के गृह सचिव राजीव गौबा पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं। इनकी काफी धूम थी विद्वता की पढ़ाई के मामले में। गुजरात के मुख्य सचिव डॉक्टर जे.एन. सिंह भी पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रहे। महीना भर पहले रिटायर हुए भारी उद्योग के सचिव गिरीश शंकर भी यहीं के छात्र रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा यहीं से पढ़े हैं और स्वास्थ्य सचिव सीके मिश्रा भी यहीं से पढ़े हैं। रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री हैं, यहीं के छात्र रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं। रामविलास पासवान और पूर्व रेल मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी यहीं के छात्र रहे हैं।
आईएएस आईपीएस मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक जितना मन करे उतना नाम गिनते चलिए, पटना यूनिवर्सिटी ने बहुत कुछ दिया, मगर इन सबसे ज्यादा पटना यूनिवर्सिटी अपने शिक्षकों के कारण यादगार रही। यहाँ के इतिहासकारों ने इतिहास लेखन और पढ़ाने की दिशा बदल दी। गणित के मास्टरों में प्रोफेसर लालजी प्रसाद की किताबों की कितनी धूम हुआ करती थी। पटना विश्वविद्यालय देश के कुछ सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक रहा है। एक वक्त इतिहास हो या मनोविज्ञान हो या हिंदी साहित्य हो या अंग्रेजी हो, इन सारे विषयों में, या विज्ञान हो, इन सारे विषयों में भारत ख्यात, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त विद्वान यहाँ अध्यापक हुआ करते थे। साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, पटना विमेंस कॉलेज, बीएन कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब इस इलाके के लिए यानी पूर्वी भारत के छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र हुआ करते थे। लेकिन अब हालत यह है कि पटना विश्वविद्यालय के लगभग सारे विभाग शिक्षकों से खाली हैं। अगर आप पटना विश्वविद्यालय जाएं तो आपको वहाँ की इमारतों को देखकर और भाएं भाएं करते हुए अध्यापकों के कक्षों को देखकर रोना आ जाएगा। वह खंडहर है। बहुत पहले वहाँ के अध्यापक, एक अध्यापक ने लिखा था कि ऐसा लगता है कि पटना कॉलेज गंगा के किनारे खड़ा है और अब वह उसमें कूद कर आत्महत्या कर लेना चाहता है। जिस यूनिवर्सिटी के कई क्लास में पढ़ाने के लिए शिक्षक ना हो, शिक्षकों की कमी के कारण कुछ कोर्स बंद कर दिए गए हों, क्या उस विश्वविद्यालय को भारत जैसे गरीब देश और बिहार जैसे गरीब राज्य को शताब्दी वर्ष मनाने के नाम पर एक रुपया भी खर्च करना चाहिए? उनके स्वागत पर 50 लाख या करोड़ रुपया तक खर्च तो हो ही जाता होगा प्रधानमंत्री के दौरे पर। यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री का एक एक सेकंड कीमती होता है। आखिर पटना यूनिवर्सिटी उनके सामने अपनी क्या रिपोर्ट पेश करने वाली है? हम क्यों पटना यूनिवर्सिटी का शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं? यह पटना यूनिवर्सिटी का जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, भूगर्भ शास्त्र का। प्रोफेसर बी के मिश्रा इसके विभाग अध्यक्ष हैं। कभी यहां 24 से 26 प्रोफेसर हुआ करते थे, मगर अब यह सिर्फ 4 शिक्षकों के दम पर चल रहा है। कभी पटना यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी विभाग की भारत और दुनिया में धूम थी। जियो केमिस्ट्री का विभाग तो काफी फेमस था, मगर अब इस विषय को पढ़ाने वाला कोई प्रोफेसर नहीं, लिहाजा ये सब्जेक्ट ही बंद कर दिया गया। एक प्रोफेसर को कई कई पेपर पढ़ाने पड़ते हैं और वो पढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर ना होने के कारण रिसर्च का काम ठप है। 2003 के बाद बहाली नहीं हुई थी। कुछ पदों का हाल फिलहाल में विज्ञापन निकला है, मगर कब तक होगी और वो बहुत कम है, पता नहीं। नीली कमीज में ये पीके सिन्हा साहब हैं, ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिटायर हुए। इनका लगन देखिए, जो अपने खर्चे पर आकर यहाँ पढ़ाते हैं, यहीं के छात्र रहे हैं। ऐसे ही शिक्षकों को शताब्दी वर्ष के लिए आ रहे प्रधानमंत्री से मिलाना चाहिए, उनके बगल में बिठाना चाहिए। जो यूनिवर्सिटी खंडहर हो चुकी है, उसके भीतर यही वो शिक्षक हैं जो आत्मा की तरह मंडराते हुए क्लासरूम में दिख जाते हैं। छात्रों की संख्या बढ़ी धीरे धीरे, और जो शिक्षकों का अनुपात होना चाहिए था छात्र और शिक्षक का, वो घटता चला गया। जहाँ इसी विभाग में, जियोलॉजी डिपार्टमेंट में, पहले 24 टीचर होते थे, आज मात्र 4 शिक्षक रह गए। तो जो 24 टीचर मिलकर के पढ़ाते थे, वो 4 टीचर मिलकर के तो पढ़ा नहीं सकते हैं, कुछ न कुछ तो कमी आएगी। लेकिन फिर भी वर्तमान सरकार, और क्योंकि हमारा शताब्दी समारोह हो रहा है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो हम लोग आशान्वित हैं कि हमारे दिन संवरेंगे। यहाँ की टीचर की कमी तो हेड बताएंगे, लेकिन हमको वो लोग अनुरोध करता है तो हम चले जाते हैं। जब भी वो लोग बुलाता है, हम आ जाते हैं। यहाँ पर आके कुछ समय देते हैं, बच्चों को पढ़ा देते हैं, क्योंकि हम इस विभाग के एलुमनाई रह चुके हैं और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से हम रिटायर किए हैं, जहाँ करीब करीब 35-37 साल हम वहाँ पर कार्यरत थे, काम करते थे। तो फील्ड का अनुभव है हमारा वहाँ का, अपने डिपार्टमेंट का अनुभव है। कुछ बच्चों को शेयर कर लेते हैं, वो अनुभव पढ़ा देते हैं। बस यहाँ पर टीचर्स की भी तो कमी है। हाँ, टीचर्स की कुछ कमी तो है। पी के सिन्हा जी को हमारा सलाम। क्या ऐसे भी शिक्षक होते हैं कि अपनी मर्जी से जाकर रिटायरमेंट के बाद पढ़ाते हैं? उनकी बातचीत देखिए, कोई दावेदारी नहीं कि हम कोई महान काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं।
इन्हीं को मुख्य अतिथि का के स्वागत का अधिकार मिलना चाहिए, इन्हीं को कहना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। प्रोफेसर बी के मिश्रा ने अंदाज से बताया कि 60 के दशक में कभी पटना यूनिवर्सिटी में जब 10,000 छात्र उससे कम होते थे तब यहाँ के शिक्षकों के लिए 1,000 से अधिक पद मंजूर थे। आज जब यहाँ के छात्रों की संख्या 20,000 से ज्यादा पहुंच गई है तो शिक्षकों की मंजूर पदों की संख्या कम कर दी गई है और उसमें से भी आधे से ज्यादा पद खाली हैं। प्रोफेसर मिश्रा जैसे शिक्षक किसी तरह क्लास ले लेते हैं, पढ़ा देते हैं। कुछ शिक्षकों का कहना है कि पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों की संख्या को देखते हुए 2,000 से ज्यादा शिक्षक होने चाहिए, मगर इस वक्त 420 पोस्ट खाली हैं, कुछ इधर उधर हो सकता है आंकड़ा। 320 प्रोफेसरों के दम पर यूनिवर्सिटी चल रही है, जितने पढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा पोस्ट खाली है। इस बार 150 पदों का ही विज्ञापन निकला है जो काफी नहीं है। इसके बाद भी 150 पद पे बहाली हो भी गई, मालूम नहीं कब तक होगी, तब भी 170 पद खाली रहेंगे। पटना यूनिवर्सिटी के कई कॉलेज में कई विभाग ऐसे हैं जो एक एक प्रोफेसर के भरोसे चल रहे हैं। 1980 के दशक से ही पटना यूनिवर्सिटी की हालत खराब होती रही, जातिवाद और गुंडागर्दी ने इसे बर्बाद कर दिया और फिर यह यूनिवर्सिटी कभी नहीं संभली। पिछले 15 साल में भी इसका उद्धार नहीं हुआ। इस दौरान बिहार से लाखों की संख्या में छात्र दिल्ली आकर पढ़ने के लिए मजबूर हुए, उनके माँ बाप जमीन बेचकर और मेहनत की पूंजी लगाकर उन्हें पढ़ाया, भावनात्मक और आर्थिक नुकसान भी हुआ। यहाँ के पटना साइंस कॉलेज में पढ़ने का सबका सपना होता था, बिहार के टॉप क्लास के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। अब जो टॉप करता है वो साइंस कॉलेज नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी आता है। साइंस कॉलेज के बारे में हमने जो जानकारी जुटाई है आप देखिए, अगर बिहार पटना साइंस कॉलेज नहीं बचा सका तो उसके पास बचा क्या है। पटना साइंस कॉलेज में 112 पद मंजूर है, मगर इस कॉलेज के पास सिर्फ 28 प्रोफेसर हैं जिसके भरोसे चल रहा है। जीव विज्ञान में 2, गणित में 3, वनस्पति विज्ञान में 6 ही शिक्षक हैं, अंग्रेजी में 1 और हिंदी में 2 ही शिक्षक हैं। मास्टर इन साइंस इन पटना साइंस कॉलेज डिपार्टमेंट जियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ देखता हूँ टीचर की कमी तो बहुत है, हम लोग को पता है, यहाँ सबको पता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये आप देख रहे हैं हमारे रॉक गार्डन है, तो इसमें मतलब कोई प्रैक्टिकल्स के इशू भी है, लैब की कमी है, प्रोफेसर की बहुत ज़्यादा कमी है। फिर स्पेशलाइजेशन जो हम लोग के ब्रांच में मिला है डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें टीचर नहीं है, और जो प्रोफेसर हैं भी उनको ऑफिशियल वर्क के कारण वो क्लास नहीं ले पाते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, प्रोफेसर लेट से भी आते हैं बहुत कुछ। जैसे आप देखते हैं हमारे कॉलेज का रॉक गार्डन है, मगर यहाँ पे सिर्फ घास और जंगल झाड़ है, ना ही कोई इक्विपमेंट, ना ही रॉक, ना ही कुछ, जो कि हम स्टूडेंट के काम आए। इसरो द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च की गई थी यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स की, एजुकेशन को सर्टिफाइड कोर्स में, बट यहाँ पर हमारे नेट की स्पीड नहीं होने के कारण वो हमारे डिपार्टमेंट को नहीं मिल पाया, तो सबसे बड़ी कमी है। आज सारे यूनिवर्सिटी में इवन की गवर्नमेंट भी बात कर रही है कि नेट की वाईफाई की व्यवस्था, बट अभी भी डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं कोई वाईफाई नहीं है, ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है यहाँ की। यहाँ पे सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि यहाँ तो शिक्षकों की कमी है ही, लेकिन साथ साथ ये होती है कि अगर बीएससी में या यूजी डिपार्टमेंट में या पीजी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो अगर 2 ही टीचर हैं तो उसमें से पता चलता है कि ये कोई रजिस्ट्रार बने हुए हैं। विडम्बना यही है कि सबको विडम्बना मालूम है, समाधान नहीं। ये सारी रिपोर्टिंग जो पटना यूनिवर्सिटी की है वो हमारे सहयोगी हबीब ने की है, उन्होंने खुद शूट किया है और लोगों से बात की है। आखिर हम एक राज्य में कम से कम 2 ही यूनिवर्सिटी ढंग से क्यों नहीं बना पाए और चला नहीं पाते हैं? किसी भी राज्य का हाल देखिए, बताने लायक नहीं है। क्या पदों को इसलिए खाली रखा गया ताकि पीएचडी करने के बाद भी किसी को नौकरी ना दी जाए? इन खाली पदों की संख्या देखकर लगता है कि न जाने कितने नौजवानों के शिक्षक बनने के सपने को कुचल दिया गया। 10-10 साल शिक्षक एडहॉक पढ़ाकर अपनी जिंदगी तबाह कर डालते हैं, मगर पोस्ट होते हुए भी नहीं भरे जाते हैं। अगर भरना नहीं है तो फिर पीएचडी क्यों हो रही है? यूजीसी नेट का इम्तहान किस लिए ले रही है? पटना लॉ कॉलेज में 14 टीचर के पद हैं मगर 9 पद खाली। पटना लॉ कॉलेज सिर्फ 5 प्रोफेसरों के दम पर चल रहा है। हिंदी विभाग में 34 पद हैं लेकिन 11 प्रोफेसर ही पढ़ा रहे हैं, बाकी सब खाली। पटना कॉलेज में 2,500 छात्र हैं और पढ़ाने के लिए मात्र 30 शिक्षक हैं। पटना कॉलेज के हिंदी विभाग में 6 की जगह 2 ही पढ़ा रहे हैं। यहाँ के इतिहास विभाग में 6 की जगह 1 ही प्रोफेसर हैं। पटना यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग का तो हाल और भी बुरा है। 10 साल पहले यहाँ 25 प्रोफेसर हुआ करते थे, अब सिर्फ 6 हैं। इतिहास का बेड़ा गर्क इसलिए हो रहा है, लोग क्लासरूम की जगह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इतिहास की पढ़ाई कर रहे हैं, सांप्रदायिक हो रहे हैं। मगध महिला कॉलेज में कभी 100 प्रोफेसर थे, आज 32 प्रोफेसर हैं। ये महिलाओं की लड़कियों की टॉप कॉलेज है ये बिहार में। मगध महिला कॉलेज में 5,000 लड़कियां पढ़ती हैं।
क्या 32 प्रोफेसर या लेक्चरर 5000 छात्राओं को पढ़ा सकते हैं? हिंदी, इतिहास, जीव विज्ञान में पढ़ाने के लिए एक एक प्रोफेसर है। इन तीनों विभागों में कम से कम 5-5 प्रोफेसर होने चाहिए थे। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोरा आंकड़ा पढ़ रहा हूं जिसका कोई मतलब नहीं, या क्या मतलब है। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि पटना यूनिवर्सिटी की ये हालत होगी। एक समय ऐसा भी था कि यहाँ के छात्र 3 साल का BA 6 साल में करते थे। रेलगाड़ी लेट होती थी मगर यहाँ सेशन भी लेट हो जाता था। गनीमत है कि आजकल सेशन लेट नहीं है। न सिर्फ पटना विश्वविद्यालय में बल्कि बिहार के लगभग सारे विश्वविद्यालयों में स्थायी अध्यापकों की बहाली बंद है। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि नीतीश कुमार की सरकार ने अध्यापकों की बहाली का जो तरीका था उसको बदलने की कोशिश की। यानी वहाँ यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन नाम की एक चीज़ थी और एक कॉलेज सर्विस कमीशन नाम की चीज़ थी, तो उसे उन्होंने भंग कर दिया। अब यह बहुत दिलचस्प है कि बिहार के विश्वविद्यालयों के पास अपने अध्यापक बहाल करने का अधिकार ही नहीं है। इसका कारण यह बताया जाता है कि स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार होता है। यानी अगर विश्वविद्यालय बहाली करेगा तो भ्रष्टाचार कर लेगा। फिर यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को यह काम दिया गया, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार देखा गया। फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को यह काम दिया गया। हमने ये सुना है कि पिछले 2-3 वर्षों से घिसट घिसट कर साक्षात्कार की प्रक्रिया चल रही है। प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है, इसलिए हमने जिनसे भी बात की किसी कार्रवाई की आशंका में कोई कैमरे पर नहीं आया, प्रोफेसर मिश्रा को छोड़कर। बिहार के छात्रों को पता है किसी तरह मैट्रिक तक यहाँ काटो फिर दिल्ली चलो। आप याद कीजिए पिछले 10 साल में बिहार में पढ़ाई की कामयाबी के किस्से कोचिंग संस्थानों से ही निकलते रहे, वो भी आनंद सर के क्लास में और अभियानंद जी के क्लास में, यूनिवर्सिटी से नहीं। अगर बिहार के पास एक यूनिवर्सिटी नहीं है दुनिया को दिखाने और छात्रों के पलायन को रोकने के लिए, तो क्या है उसके पास? बहुत सी सरकारें रहीं इस दौरान मगर कोई एक यूनिवर्सिटी ना खड़ा कर सकी। 14 अक्टूबर को पटना यूनिवर्सिटी आखिर भारत के प्रधानमंत्री का सामना कैसे करने वाली है, या प्रधानमंत्री किस तरह से उसका सामना करेंगे? हमने देश के कई विश्वविद्यालयों का हाल जाना है। यही समझ आया कि पैसे वालों ने अपने बच्चों को पढ़ाने का कहीं और इंतजाम कर लिया। जो गरीब और साधारण लोग हैं उनके बच्चे ना पढ़ पाए इसका भी इंतजाम कर दिया, ताकि वे पीढ़ियों तक वहीं रहें जहां उनके पुरखे थे। बड़े लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि पटना यूनिवर्सिटी की हालत खराब है, क्योंकि उनके बच्चों ने पैसे से दूसरी यूनिवर्सिटी चुन ली है। रह गए आम लोग, आप लोग, तो उन्हें खाली क्लासरूम में सपना देखने के लिए बिठा दिया गया है। एक सवाल आपसे है कि क्या आप यह देख पा रहे हैं कि आपके बच्चों का भविष्य जहां बनना है वहां की हालत क्या है? एक और सवाल है, आप ये सब कैसे देख पा रहे हैं? एक छोटी सी जानकारी और देता हूं। सीतामढ़ी का एक कॉलेज है, SLK कॉलेज, 5000 छात्र पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले सिर्फ 5 हैं। एक टीचर 1000 छात्र को पढ़ा रहा होगा, इसको तो अभी और इमीडिएट तत्काल सेवा अधिकार से नोबेल देना चाहिए। अगर आप बिहार के हैं तो दिल पर हाथ रखकर कहिए कि क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़कर अपने बच्चों का एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में कराना चाहेंगे, यह जानते हुए कि वहां टीचर नहीं है। कई बार तो लगता है कि प्रधानमंत्री को शताब्दी वर्ष में जाने का अपना इरादा ही बदल देना चाहिए। हमारी कोशिश यही थी कि प्रधानमंत्री तक यह जानकारी पहुंचे, वरना उनके भाषण में केवल गौरवगान ही होगा, वर्तमान नहीं होगा। वे गलत जानकारी के शिकार हो जाएंगे। उन्हें अपने भाषण में खाली क्लासरूम, खाली शिक्षकों की बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि पटना यूनिवर्सिटी की ऐसी हालत क्यों है, और जब ऐसी हालत है तो मुझे क्यों बुला रहे हैं। और उनके कार्यकारक, जबकि दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कार्यालय से 1 घंटे की दूरी पर है, ट्रैफिक जाम को मिला लें, वैसे तो ये लोग 10 ही मिनट में पहुंच सकते हैं। वैसे प्रधानमंत्री को एक चक्कर पटना का भी लगाना चाहिए, उन्हें पता चलेगा कि शहर में स्वच्छता की हालत कितनी खराब है। वे किसी गुप्त कार में बैठकर किसी भी गली में चले जाएं, गंदगी मिलेगी। सोमवार को किसी और यूनिवर्सिटी का हाल लेंगे, अभी ब्रेक लेंगे।